What's trending? हेलो जी, नमस्ते आदाब। मैं हूँ श्रेया और शो शुरू हो चुका है व्हाट्स ट्रेंडिंग। कैसे आप लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? शो सुन के नहीं, लेकिन अभी जो डिनर किया है उसमें उसका तो मैं आपसे पूछ ही सकती हूँ कि मतलब डिनर में जो आपकी वाइफ ने, मम्मी ने, जिसने भी खाना बनाया था, कैसे बनाया था? नमक वमक और मिर्च मसाला सही था ना? है ना, सही था ना? चलिए अब इस चीज़ पे बातचीत नहीं करते। क्या हाल चाल है यार? सब बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया, यस। और आज है 30 मार्च यार, 30 मार्च। आई कैन नॉट बिलीव, जब ये साल शुरू हुआ था तब वी वर लाइक ओह माय गॉड 2020 हैज फाइनली स्टार्टेड, और पता नहीं ये फुर्र से निकलता जा रहा है, लिटरली फुर्र से। अच्छा, अब परसों अप्रैल का महीना है, एक आध दिन रह गया है अप्रैल को भी स्टार्ट होने में, और अप्रैल में तो हम लोग बनाते ही है अप्रैल फूल्स डे। उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। आप लोगों ने भी बड़ा उल्लू बनाया है ना एक दूसरे का बचपन में? अरे बचपन में बनाते हैं ना बच्चे एक दूसरे का उल्लू बनाया है। देख देख देख, तेरे ऊपर कुछ लगा हुआ है। देख 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 देख, तेरी टाई गायब हो गई। देख देख देख, तेरे बैग में कुछ लगा हुआ है। हमने यार बड़ा किया है, लेकिन हमारी टीचर्स जो है ना वो भी हमें ऐसे ही करती थी कि बेटा हम टीचर्स हैं, हमें उल्लू मत बनाओ, हम तुम्हें उल्लू बना देंगे। ऐसे यार बचपन की बहुत सारी मीठी खट्टी तीखी सी हमारी यादें हैं, और ऐसे हमारा बचपन जो है बहुत खुशहाल रहा है। सबका बचपन ना, है ना, सबका बचपन बहुत खुशहाल रहता है। लेकिन आप लोगों ने कभी वंडर किया है कि हम अप्रैल फूल्स डे क्यों मनाते हैं? कि मतलब कुछ स्टोरी तो होगी ना हर चीज़ के पीछे। हम इंडियंस तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं कि भाई हम ये करते हैं क्यों करते हैं, ये किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। तो आपने इस बारे में सोचा है कभी कि मतलब अप्रैल फूल्स डे हम क्यों मनाते हैं? सोचो सोचो, मैंने भी परसों ही सोचा आपसे आज साझा कर दूं। लेकिन 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 साझा करने से पहले एक प्यारा सा गाना सुनिए, उसके बाद आऊँगी ना। शो चल रहा है वॉच ट्रेनिंग, आपके लिए पेश है ये प्यारा सा गाना, सुन रही श्रेया को, स्टे ट्यून। मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल
यादों के दिए रखता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस यार साथ है तेरी, यार साथ है तेरी, यार साथ है। अप्रैल फूल्स डे की ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट इसको अज्यूम स्टोरी माना जाता है कि ये सच भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है। भाई वो मैथ्स की क्वेश्चन हुआ करती थी ना, लेट्स अज्यूम एक्स टू बी द डिस्टेंस, एक्स टू बी द एज, वाई टू बी द वेट ऑफ जया जी। आई एम जोकिंग, लेकिन इसको भी अज्यूम ही किया गया है। तो इसका ये स्टोरी का जो पीछे का रहस्य वो इस प्रकार है कि जो ब्रिटेन के लोग होते थे, ग्रेट ब्रिटेन के लोग, उन्होंने कह दिया कि नो जी ना, हम ये नहीं मानते ना जी, फर्स्ट अप्रैल को जो आप लोग है वो इसको न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम लोग साफ इनकार करते हैं और हम फर्स्ट जनवरी को ही न्यू ईयर मनाएंगे। और मेरे पापा भी कहते थे, वो लोग इस वे में मजाक उड़ाते हुए हमें ये बोलते थे कि भाई तुम लोग तो फर्स्ट अप्रैल को मना रहे हो, तो वो हम पे हंसते थे और हमें मूर्ख समझते थे। ठीक है, अब ये अज्यूम स्टोरीज है, काफ़ी ऐसी और भी स्टोरीज है लेकिन दे आर अज्यूम्ड। और अगर आपकी भी, आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है अप्रैल फूल्स को लेके, ये तो मेरी स्टोरी थी, तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना मैसेज ड्रॉप करना पड़ेगा रेडियो उड़ान के पेज पे, या रेडियो उड़ान के पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे। आपके लिए पेश है ये गाना मेरी ओर से, स्टे ट्यून्ड टू वॉच ट्रेंडिंग, मैं हूँ श्रेया। सबसे है अनबन बनते क्यों ये खुदा मेरे, हूँ
आग है क्यों आग में जलूं, ये नाकाम प्यार में खुश है ये हार में इन जैसा क्यों बनूं। तू तो ख्यालों में साथ है, ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। बिखर रहा है दर्द तुम्हारा बदन में मेरे, शहर की तरह उतर रहा है नजर के आगे हर एक मंजर, रेत की तरह बिखर रहा है दर्द तुम्हारा बदन में मेरे, शहर की तरह उतर रहा है। आज़माने आज़मा ले रूठता नहीं, फासलों से हौसलाए टूटता नहीं, ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। हां जी, तो ये सॉन्ग था बेख्याली फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह। आई होप आपने मूवी देख ली होगी, मैंने तो यार देख ली थी, लेकिन भाई बड़ा सहम गई थी मैं, ऐसा वो इंसान भी हो सकता है क्या? प्रीति को थप्पड़ मारती है, मारती है प्रीति बेटा, ठीक हो ना तुम? वैसे यार ये फिक्शनल कैरेक्टर था, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होता इस दुनिया में, क्योंकि हम लड़कियां पे बहुत ज़्यादा तेज हैं, हमें ऐसे किसी को हाथ उठाने नहीं देते, है ना? सहमति है ना? अच्छा यार, अप्रैल फूल्स डे की बात चल रही थी कि हम अप्रैल फूल्स डे क्यों मनाते हैं। सही है, अप्रैल फूल मनाना और लोगों का बेवकूफ़ बनाना, अपने फ्रेंड्स का बेवकूफ़ बनाना हंसी मजाक में चलता है, लेकिन जब हम ना नेचर से खिलवाड़ करते हैं, जो हमें नेचर ने इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे रिसोर्सेस हमें गॉड गिफ्ट किए हैं उन्होंने, उसके साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं तो कब तक सहे? बहुत टाइम से ना ऐसी हमारी मदर नेचर भी सह रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बारी जब वो बाहर हो जाता है ना, जब एक लिमिट आ जाती है कि बट बस यार अब नहीं होगा, तो हमारी मदर नेचर के साथ भी ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया में स्ट्रक हुआ है पैंडमिक। कोरोना वायरस के बारे में तो सब जानते ही हैं। इस मुश्किल की घड़ी में हमें सबका साथ और हमें सबका हाथ पकड़ के चलना है, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम किसी से ये जो वायरस है वो कैच कर सकते हैं, है ना? और आपको हो गया तो आप और लोगों में फैलाएंगे, आप फिर घर जाएंगे तो अपनी फैमिली मेंबर्स में फैलाएंगे, विच इज़ नॉट राइट। या आप नहीं चाहेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स या आप ऐसे बीमार हों। और इसी के साथ साथ कोरोना की जो हिस्ट्री है वो चाइना से आई है, वी ऑल नो दैट। चाइना से जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था
वो 30 जनवरी 2020 को कहा जाता है कि ये पहला केस आया था उनके पास। और पिछले हफ्ते के सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में जो केसेस है वो 979 केसेस पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ 25 डेथ्स भी हो चुकी है, 86 रिकवरीज हो चुकी है, 1 माइग्रेशन हो चुकी है और अभी भी काफ़ी लोगों का इलाज चल रहा है। तो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मन की बात में ये भी साझा किया कि जो काफ़ी लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, जो स्पेशली पुअर लोग हैं वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए उन्हें बहुत खेद हो रहा है। लेकिन उनके हाथ में भी यही था कि वो लोगों को घर रहने के लिए कह सके। लेकिन इस टाइम जो हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं ना वो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर किसी को घर से हम ऐसे निकाल रहे हैं कि भाई तुम किराया नहीं दे सकते या तुम नॉर्थ ईस्ट के हो, तुम्हारा जो फीचर्स है वो चाइनीज़ या मंगोलियन फीचर्स है तो तुम्हें भी वायरस हो सकता है, तो यार ये हम पे बहुत बड़ी कलंक की बात है अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं करनी चाहिए यार। इस टाइम पे जब हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो हमें वो व्यवहार आगे पहुंचाना चाहिए। जब हमें राशन हमें प्रोवाइड हो रहा है, मेडिकल केयर प्रोवाइड हो रही है, तुम ऐसे किसी को क्यों धुतकारे कि आप बाहर चले जाइए या आपके पास हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते या आप किराया नहीं दे सकते या आप अगर नॉर्थ ईस्ट से है तो आपको नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। नहीं यार, वी ऑल इंडियंस आर यू, वी शुड बी यूनाइटेड, हमें एक साथ मिलके इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलना है। फिलहाल तो 21 डेज का लॉकडाउन है और जनता कर्फ्यू में भी हम लोगों ने दिखा दिया कि भाई चाहे कोरोना हो या किसी भी बात का रोना हो, वी इंडियंस वी विल फाइट टुगेदर टिल आवर लास्ट ब्रेथ। थैंक यू सो मच। मैं इस बारी ताली बजाना चाहूँगी फॉर दोज फ्रॉम रेडियो उड़ान की साइड से और अपनी साइड से उन नर्सेस के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए, पुलिस और डिफेंस पर्सनल्स के लिए जो रात दिन हम लोगों के लिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए खुद खड़े हैं मैदान में, खुद हमें प्रोटेक्ट करें, उनके लिए आई वॉन्ट टू फील प्यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग अस। और हम भी आपसे वादा करते हैं, आप बाहर ड्यूटी दे रहे हैं, आप अपना फर्ज निभा रहे हैं तो हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और हम लड़ेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है पेश आपके लिए एक प्यारा सा गाना, सुनते रहिए श्रेया को। मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है। जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल रहूं मैं।
चल रहा है वॉच ट्रेंडिंग और मेरे अंदर एक कीड़ा है, बात करने का कीड़ा। कुछ लोगों के अंदर कीड़ा होता है ना कि वो घर पे बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। जब उनको पता है परिस्थितियाँ कैसी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो जो माइग्रेट हो रहे हैं, जिनका ज़रूरी माइग्रेट होना है, या जो ग्रोसरीज के लिए जा रहे हैं, मेडिकल हेल्प के लिए, लेकिन उनके लिए जो ऐसे ही सेल्फीज खिंचवाने के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब एक कीड़ा होता है ना बात करने का, एक कीड़ा होता है ज़्यादा खाने का, एक कीड़ा होता है कुछ ना कुछ बीच में उंगली करते रहने का। ये कीड़ा बहुत गलत है यार, और आप लोग प्लीज़ घर पे बैठिए यार। बार बार प्राइम मिनिस्टर जी ने, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने आपसे अपील की है कि प्लीज़ घर पे बैठिए, प्लीज़ घर पे बैठिए, लेकिन आप नहीं मान रहे। तो इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए, लोगों से अपील करते हुए, उनको सलाह देते हुए, उनको बार बार कहते हुए कार्तिक आर्यन ने भी कुछ कहा है, सुनिए यार। प्रॉब्लम ये है कि हम सब जीनियस हैं, और क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि हमें किसी की सुननी ही नहीं है। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब दो हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेज, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा, या इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज, न्यूटेलास, फ्रोजन योगर्ट हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है, फेज 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रम्प भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। डॉक्टर फौकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहा है कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं जू बीच पर पाव भाजी खाने। फौकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा, और यही करते रहे ना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी। इटली वीडियो बना बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की। हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत, सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना, प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GF BF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना, स्टॉप करो ना। बिल्कुल सही बात कार्तिक, वी आर उडान फैमिली, वी सपोर्ट यू एंड वी ऑल्सो PTR। प्लीज घर पे बैठा करो ना, करो ना, घर पे बैठो यार। और इसी के साथ साथ खतरों के खिलाड़ी स्पेशल, खिलाड़ियों के खिलाड़ी स्पेशल, अक्षय कुमार जी ने भी कुछ कहा है अपने फैन से, ऑडियंस से, इंडियन सिटीजन से, प्लीज़ यार घर पे बैठ लीजिए, प्लीज़ यार घर पे बैठा करो ना। सुनिए क्या कहते हैं अक्षय कुमार जी। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुँह से निकल जाए तो मुझे माफ करना, पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का। क्या हो गया लोग, किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा।
लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियां उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ जान सूखी हुई है, मजाक नहीं है। इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो, सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता, तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों सैनिकों लड़ो, लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो, जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो, धन्यवाद। అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇండియన్ రిధమ్, ఇలు ఇలు కర్కే ఆజ నాచేంగే హమ్. मेरी
बचेंगे हम। जी शो चल रहा है व्हाट्स ट्रेंडिंग, मैं हूँ श्रेया और मैं अभी भी आपके साथ बनी हुई हूँ और आपसे अपील कर रही हूँ, प्लीज यार घर पे बैठा करो ना। और इसी के साथ साथ आज का ना यूथ में एक चीज़ बहुत फेमस है एंड दैट इज पबजी। पबजी यूथ आई थिंक 2-3 सालों से अब तो खेलता ही आ रहा है, लेकिन अब जो घर पे लोग कुछ अडल्ट्स भी है या कुछ एज लोग भी बैठे हुए हैं वो भी पबजी ट्राई कर सकते हैं अगर उनको पसंद आता है। वैसे थोड़ा वो वैसी टाइप की गेम है तो शायद पसंद ना आए, लेकिन ये जो गेम्स है ना इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब ये इसका पीछे का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ऐसा है कि इट इज़ द सेकेंड मोस्ट गेम, मतलब सेकेंड मोस्ट सेलिंग गेम बन चुकी है ये। इसी के साथ घर बैठे आप मिलियनेयर बन सकते हो यार गेम खेल के, जैसे कनाडा के श्राउड बने हैं। और मैंने ना आजकल लूडो में ट्राई कर लिया है, लूडो की गेम आती है, मैंने वो अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लिया, आपके पास iOS है एंड्रॉयड है आप खेल सकते हैं वो गेम। और नोकिया 1100 में भी बहुत अच्छी गेम्स आती है, स्नेक आती है, बाउंस आती है, वो भी आप खेल सकते हैं एंड दैट इज़ अ गुड पास ओवर। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हम बचपन में भी करते थे और हमारे पास जो टाइम होता था वो टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता था। इसी के साथ आप नई नई चीज़ें कुक करना सीख सकते हैं, मतलब कुछ अगर आपके पास कम इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं आप उसमें कुछ नया ट्राई कर लीजिए, क्या पता वो आपकी डिश फेवरेट डिश बन रहा है। इसी के साथ साथ आप पेंटिंग, अगर अच्छे पेंटर हैं तो पेंटिंग ट्राई कर लीजिए, घर के लिए कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं, होम डेकोर कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, सब टैलेंटेड होते हैं ना। आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि मेरे पास कुछ और टैलेंट है या नहीं। आई एम श्योर इस घर पे बैठा करो ना ये पीरियड में आई विल एक्सप्लोर, आप भी एक्सप्लोर करो। और मैं आ रही हूँ एक गाने के बाद, सुंदर श्रेया को वॉच ट्रेंडिंग पर टीमिंग। लौंडों के दिल पटक पटक, सांसें जाए अटक अटक, आता माजी सटक सटक, बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए, कम ऑन बेबी टिकट टिकट, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट, बड़ो लो केरे बेटी लो लंबा लंबा चूल, एमन माथाय बेंधे दे বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकर पकर, आई एम द पेरिस मदफ yeah। हार्ट बीट मिसिंग जब तो लुक में इंदी आई, लव तेरा बेबी मुझे टेक मी टू द स्काई, प्रॉमिस वाटर नेवर कमिंग डाउन फ्रॉम योर आई, यू आर माय जान बेबी नेवर गोना लाई, এমন মাথায় বেঁধে বেটি লো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেন্দা ফুল। शो चल रहा है व्हाट्स ट्रेंडिंग, मैं हूँ श्रेया और इंस्टाग्राम पे रेडियो उड़ान की पेज में मैं भी हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं स्पेस वो
www.kashmiran और ये यूज़र नेम के पीछे मैं आपको स्टोरी किसी और शो में बताऊंगी, बट ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अभी घर पे बैठा करो ना तो टाइम पास करने के लिए मैं भी आपसे बात कर सकती हूँ। और मैं तब से बहुत बोल रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की कि वो आजकल अपने रूटीन में क्या कर रहे हैं, उनका रूटीन कैसा चल रहा है और वो अपना टाइम पास कैसे कर रहे हैं। वो भी आपसे यही कहेंगे कि घर पे बैठा करो ना, तो आइए सुनते हैं इन लोगों का क्या कहना है। हेलो, कौन बोल रहा है, अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम रोहित है। रोहित, तो आपको जैसे पता है लॉकडाउन है, एंड आई होप आपने अपना क्वारंटाइन रूटीन शेयर करने के लिए ही कॉल किया है, राइट? जी मैम। तो रोहित बताइए, आप क्वारंटाइन के टाइम क्या कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं, घर पे बोर हो रही है या नहीं हो रही, सब बताइए। ओके मैम, अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो ये टाइम फ्री में पैनिक वाला तो है, लेकिन इसके साथ बहुत बोरियत भरा भी है, क्योंकि बंदा कितना ही नेट में लग जाए और कितनी ही सीरीज देख ले। अब मैं एक काम जो कर रहा हूँ वो ये है कि अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेल रहा हूँ, जैसे कि मैं पबजी बहुत दबा के खेल रहा हूँ और लूडो खेल रहा हूँ। कल ही मैंने लूडो इंस्टॉल करा था, पहले खेलता था मैं, तो दोस्तों के साथ मैं ऑनलाइन गेम्स खेल रहा हूँ। इसके साथ अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट लोग शेयर कर रहे हैं, प्राइम पे वीडियोज देख रहे हैं, तो जितनी भी सीरीज मेरी बच रही थी वो सारी मैंने सीरीज देख डाली है। इसके अलावा जो मेरी फेवरेट मूवीज थी वो भी मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया, इससे मेरा टाइम कट रहा है। और टाइम कटने के लिए सबसे बड़ी बात कि हमारे कॉलेज वाले मैम वो कहाँ छोड़ेंगे, तो असाइनमेंट्स मिले हुए हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं, हम ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ वीसी कर लेते हैं जब बोर होते हैं, तो इस तरीके से हमारा टाइम जो है वो कट रहा है, और उसके साथ न्यूज भी देख रहे हैं। वाओ वाओ वाओ, मतलब क्या बात है, गेम खेल रहे, पढ़ाई भी कर रहे, लेकिन अपने घर वालों की हेल्प कर रहे हैं, मतलब साफ सफाई कर रहे हैं। जी मैम, ये तो एक बहुत बड़ी, घर वालों की एक्चुअली हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही करवा लेते हैं वो मार पीट के। तो मम्मी तो मम्मी के साथ ये है, मम्मी तो कह रही है कि साफ सफाई करवा, हाथ बड़ा मेरा, तो अपना मैंने, फिर भी अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने अपना सेल्फ साफ कर लिया है, जो कि बहुत दिनों से गंदा पड़ा था। मेरी बुक्स, आज मेरे को ऐसी ऐसी बुक्स मिली जो मेरे को पता भी नहीं थी कि मेरे ड्रॉअर में रखी हुई है। ऊपर से अपने रूम की मेंटेनेंस तो हो रही है, इसके साथ घर वालों भी ख्याल रख रहे हैं कि बच्चा बाहर ना जाए, वो घर में पूरा खाना पीना कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं, साथ में बार बार हैंड सैनिटाइज करवा रहे हैं, घर की भी सफाई हो रही है और पड़ोसी भी अवेयर कर रहे हैं। तो हाँ, एक अच्छा सा माहौल लग रहा है, लेकिन साथ में घर में काम भी करना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा है। क्या बात है, मतलब जो बच्चे अपने माँ बाप की हेल्प नहीं करते थे उनको भी हेल्प करनी पड़ रही है। तो एक आप कहाँ से बात कर रहे हैं, मतलब कौन से इलाके से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो दिल्ली के आप रहने वाले हैं और दिल्ली में भी लॉकडाउन चल रहा है, तो ग्रोसरीज वगैरह आपको अवेलेबल है? देखिए मैम, अगर मैं आपको बताऊं तो लोग खामा खा पैनिक हो रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे वहाँ पे जो नॉर्मल लोकल सब्जी वाले हैं वो भी अवेलेबल है, साथ में यहाँ पे किराने की दुकान खुली हुई है और डेयरी की दुकान भी खुल जाती है, अगर आपको दूध वूध लेना है तो वो भी आपको अवेलेबल है, दूध की सप्लाई आ रही है, साथ में मेडिकल स्टोर भी खुली हुई है, ATM भी खुला हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, ये है कि सामान आपको हो सकता है आज की बजाय कल मिल जाए, लेकिन मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको वो मिलेगा ही नहीं और आप भुखमरी के शिकार हो जाओगे। तो इसलिए ये बात भी लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है कि आप अपने साथ एक्स्ट्रा राशन ना जमा करें, क्योंकि अगर किसी को उसकी जरूरत हो तो उस टाइम पैसा ना हो कि आपके पास वो राशन उसकी कमी की वजह बन जाए। बिल्कुल सही बात हो, और हमारे लिस्टर को भी बता दीजिए आप दिन में कितनी बार हाथ धोते हैं, कितनी देर के लिए हाथ धोते हैं, और सैनिटाइजर और मास्क को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी मैम, मास्क का तो यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा आपके थ्रू में, आपके लिसनर्स को, कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो मास्क का यूज जरूर करें। साथ में अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, बेशक आपने किसी चीज पे हाथ नहीं लगाया हो, किसी भी रॉड पे या किसी भी स्टिक पे, लेकिन फिर भी आप घर आके हाथ धोइए। इनफैक्ट घर में घुसने से पहले आप हाथ धोइए, फिर एक बार अंदर आके भी हाथ धोइए। मैं खुद बाहर तो नहीं निकल रहा मैम, अभी मैं पूरी तरीके से होम में हूँ, अपने आइसोलेटेड हूँ, अपने घर वालों के साथ, लेकिन फिर भी अगर मैं
आप बालकनी की तरफ भी आ रहा हूँ या फिर अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं 3-4 बार दिन में हाथ धो रहा हूँ अपने। बिल्कुल सही बात है रोहित, जैसा मेरा और रोहित का भी जो नॉर्मल आपकी तरह है ऑडियंस जो मुझे सुनती आ रही है और जिन्होंने कॉल किया है दिल्ली से ही, वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि घर पे बैठा करो ना। थैंक यू सो मच रोहित फॉर कॉलिंग, स्टे सेफ स्टे होम, बाय बाय। आई होप आप भी अब समझ गए होंगे ना कि श्रेया झूठ नहीं बोलती और श्रेया की भी एडवाइस मान लेनी चाहिए। पेश आपके लिए गाना, सुन रही है श्रेया को वॉच ट्रेंडिंग पर। होने वाला है लेकिन खुशियों का और कोरोना फ्री इंडिया का आरंभ बहुत ही जल्दी होगा दोस्तों, प्रॉमिस है आपसे। अगर आप ऐसे ही घर पे रहेंगे, हिम्मत मत हारिए क्योंकि हिम्मतें
मर्दा तो मदद है खुदा। और अंत में यही कहूँगी, चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना कोई गम वो जगह ढूंढते हैं, बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, चलो जमीन पे कोई कहीं हम सता ढूंढते हैं, छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की हम गिरा ढूंढते हैं, बहुत वक्त गुजारा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की हम ये सुबह ढूंढते हैं। शो चल रहा था वॉच ट्रेंडिंग, मैं हूँ श्रेया, एंड प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर पे रहिए और रेडियो उड़ान को सुनते रहिए। नमस्ते। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खड़े को भी, छोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई मरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज का नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिस्ट खो गया है क्या करूं, व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्संस के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। मैं आनंद आठलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info।
INFO। आप कॉल कर सकते हैं 02266838637। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। हंसदास सुवेंद्र शेखर द्वारा लिखित माय फादर्स गार्डन अब डाउनलोड के लिए सक्षम लाइब्रेरी के सौजन्य से सुगम पुस्तकालय पर उपलब्ध है। इस पुस्तक को जेसीबी प्राइज के सहयोग से तैयार किया गया है। माय फादर्स गार्डन एक समलैंगिक संथाल की कहानी है, जो प्रेम और पारिवारिक आशाओं और जिम्मेदारियों के बोझ के साथ संघर्ष करता है और अपना दुनिया में अस्तित्व तलाश रहा है। प्यार, दोस्त और समाज से धोखा खाया हुआ एक युवा चिकित्सक प्रकृति की गोद में शांति ढूंढता है। कृपया इस पुस्तक को पढ़ने के लिए सुगम्य पुस्तकालय www.library.daisyindia.org पर लॉग ऑन करें।